तो मैंने जो बहुत टाइम अभी 10 मिनट किया, और इधर जो ऊपर ब्रिज दिख रहा है कलर भी होने का ब्रिज है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज जो मेरा कुछ एंट्री ऐसा हो गया, तो आज हम बस घर पे हैं और अभी हम जाना है कल्याण और कुछ आपको हिस्टोरिक प्लेस दिखाने के लिए वापस एक बार। तो आज निकल रहे हैं हम लोग एक शिवाजी महाराज को कुछ है, तो आप देख लेना आपको थोड़ा से पता चल जाओगे एक्चुअली। तो एक्चुअली मैं रेडी हो गया हूँ और मुझे आज माइक भी ले लिया एक, देखो तो जो पिछले था जो पिछले वक्त में था तो कुछ इशू हो गया था, तो बहुत साउंड हमने ले लिया, तो इसलिए तो आप मुझे बताना कि कैसा लग रहा है एक्चुअली मेरा किया हो जी। आप जो बेटर नहीं है जो फर्स्ट टाइम लगना तो इसके लिए तो हाँ जैसे नहीं। तो अभी निकलते हम लोग, तो मैं अकेला जा रहा हूँ, मैं सर तो उधर ही दोस्त चलेगा मेरा, तो उसे उधर के आपको तो आपको मैं सब दिखाऊंगा, मतलब सब आपको बताऊंगा कि कैसे जाने का उधर, तो और तो सब सब एंट्री डिटेल सब बताऊंगा मैं आपको। तो निकलते जल्दी, टाइम उसमें अभी उधर 11:30 मेरे को ऊपर, तो निकलते जल्दी। तो अभी हम सब होकर तो निकलते हैं यहाँ से, मेरी फ्रेंड छोड़ने आ रही अभी। तो अभी मैं कल्याण स्टेशन पर और पीछे टिकट काउंटर है और यहाँ से जो है पूरा एंट्री है, तो आपको पहले कल्याण से आना पड़ेगा और टिकट के सामने जो है आपको ऑटो मिलेगा, तो उधर ऑटो से आपको लेना पड़ेगा 4 से 20 रुपया, तो आपको जो है लाल चुकी बोलना पड़ेगा, तो आपको छोड़ देंगे और लाल चुकी पर, तो उसका ही देखते हैं मैं तो जाते फिलहाल मैं पहुँच गया अभी। और मेरा दोस्त है वो अभी बड़ा कल्याण से जाए उधर, तो निकलते भी यहाँ से बहुत ज़्यादा धूप है इधर। पुलिस स्टेशन बाजू में और ये जो पूरा लाल चौकी है पूरा, तो फिर लाल जो छोड़ देंगे तो इधर चल के जाने इधर से, क्योंकि यहाँ से वे चल के तो हमको इसी तरह कुछ 10-15 मिनट्स का कुछ रास्ता है, तो अगर ऑटो जाते हो तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप लोग को चल के जाओ यहाँ से, बस कुछ नहीं आपको ये छोड़ देंगे और आपको जो सीधा चल के जाना है यहाँ से, आप ऐसा मैप लगा तो भी आपको पता चलेगा। अभी और जो पीछे देख रहे थे मेरे साथ पीछे शिवाजी महाराज का स्टैचू पूरा, और अभी आपकी तरफ पहुँच गए तो आपको सीधा ऐसे जाना पड़ेगा आगे, तो आगे रहते ही कुछ 5 मिनट दूरी है, उसके बाद आपको मिल जाएगा फोर्ट। तो अभी निकलते हैं यहाँ से हम दोनों ही, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो ये रहा मेन फोर्ट जो एंट्रेंस है, बेसिकली कल्याण वेस्ट में है और पूरा छत्रपति शिवाजी ने पूरा बिल्ड किया है इसको, और जो स्टेशन से बहुत नज़दीक भी 2 किलोमीटर है और 30 मिनट का कुछ रास्ता है, लेकिन जैसे आपको बताया कि आपको ऑटो से आना पड़ेगा, तो आपको वो थोड़ा अच्छा है, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा आपको कि मैं भी सेम वही किया अभी, और मैं तो प्रीफर करूँगा आप वही कीजिए। तो इस फोर्ट को जो है कैप्चर किया था सरदार हसन अली खान ने 1682 में, और इसको बनाने के लिए 340 पोर्चुगीज लगे हैं बनाने के लिए, पूरा बिल्डअप करने के लिए एक्चुअली ऊपर और है और स्टेप से ऊपर जो दिख रहा है आप लोगों को ऊपर और स्टेप से, तो आपको गूगल भी मिल जाएंगे और इधर ऊपर भी मिल जाएंगे आप लोग, जो मैं डाला हूँ। और इतना मेहनत से बना है ये किला जो कि बहुत बड़ा है, बहुत ही रियल में बहुत ही बड़ा है एक्चुअली, दिखा ना हम लोग को बहुत ही बड़ा फोर्ट है ये ऊपर तक है, तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। सरदार हसन अली खान ने जो कैप्चर किया था उसके बाद जो है संभाजी महाराज ने वापस को रिकैप्चर किया था, तो उसके बाद 1689 में जो मुगल्स ने वापस को रिकैप्चर किया था, तो 3 बार जो है कैप्चर किया है इसको, तो उसके जो अटैक किया था 1728 में जो है पोर्चुगल्स ने वापस अटैक किया था इसके ऊपर, तो बहुत बार जो है कैप्चर हुआ है, अटैक भी हुआ है इसके अंदर, तो ये पूरा सा ये है, तो कुछ ऐसा सीन था पूरा इस फोर्ट का। और मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन आपको बता दें इन्फॉर्मेशन, और
क्या बताओ आपको इस फोर्ट के और में एक्चुअली अंदर आया मेरा कैमरा तो लेके जा नहीं सकता मैं, बाकी मैं जाके अंदर बहुत अच्छा है, बहुत ही एक्चुअली अभी भी जो है वीडियो शूट करने दे रहे, पहले वीडियो शूट करने देते थे, अभी जो है पूरा बिल्डअप होने के बाद पूरा होने के बाद तो भी नहीं दे रहे। तो कल्याण में जो बहुत अच्छा हिस्टोरिक प्लेस है और बहुत फेमस प्लेस है तो उसमें आपको ब्लॉग दिखाऊंगा मैं आपको, तो आप जब कल्याण में बिटल एड में तो क्या रहते हो तो आप मुझे सर्च करो कि मैं किस पे ब्लॉग बनाऊँ, किस पे आपको कंटेंट दूँ, तो मैं ऑफकोर्स मैं अपनी तरफ से फुल सपोर्ट करके मैं आपको बोलूँगा और दिखाऊंगा भी कि क्या क्या प्लेस है उस का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग टू एंड आपको दे दूँगा। बस आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कोर्स किस पे चाहिए। तो निकलते हैं ऐसे जो बहुत लेट है, अभी 4 बज गए तो अभी आते तो बहुत लेट हो हम लोगों, और मैं जो है आज से तो अभी 4-5 दिन रोज डेली वॉक कर रहा हूँ, कमेंट करना कि आपको कैसा लग रहा है, अगर मैं आपको डेली ब्लॉग दूँ तो आपको कैसा लगेगा। तो अभी हम इधर कुछ ऐसी जगह पे तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ बोट्स है कुछ है और पानी तो बहुत है, और इसकी जगह नाम है गणेश घाट। तो आप कल्याण तो बहुत 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 हवा रही है इधर और धूप भी है बहुत ज़्यादा, और अभी जो हवा कम हुई है कंटिन्यू से आ रही हवा, सब कुछ ऐसा है पूरा बहुत जो एक गणपति विसर्जन होता है, एक्चुअली गणपति विसर्जन होते जो नॉर्मली। बहुत बेस्ट जगह है फोटो शूट करने के लिए, इसलिए हम आएंगे इधर फोटो शूट करने के लिए, बस एक फोटो शूट करने के लिए आएंगे इधर। और तो कचरा आ चुके हैं और वो जो हम जाना है मैच को लेकर बाहर, और कुछ मैच का पेडी भी लेना है तो अभी निकलते हैं, आगे थक गया वो बहुत, तो अभी भाई मेरे बाहर वेट कर रहे हैं तो अभी निकलते हैं। ये गाइस तो अभी सुबह हो चुकी है और हमारी जो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अभी जो जल्दी से एस्कॉर्ट करते हैं तो लेट ओपन में लेट हो गया और कुछ इशू थे और तो उसके लिए तो उसके लिए सॉरी एक्चुअली। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा और अच्छा लोग वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही नए नए प्लेस और नए नए विजिट्स में करूँगा तो मेरे को आप सर्च भी करना जैसे मैं बोला अभी, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो के लिए आपको ये व्लॉग कैसा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मत भूलना मेरे को सब्सक्राइब करने के लिए। तो ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और इस फोटो को जो है कैप्चर किया था सरदार हसन। वापस ले।